डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। सर, कल होली का त्यौहार है, होली के टच पर लोग शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह की अपील? देखिए, जब भी हम लोग कभी त्यौहारों की बात करते हैं तो हमारे मुंह से सबसे पहले निकलता है होली दिवाली। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हम हिंदुओं में होली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। क्यों होता है इसके बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि सबको मालूम है, लेकिन हाँ, इस होली पर मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा कि एक तो बिल्कुल पानी की यूज़ ना करें, क्योंकि मुझे जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि मेरे हिसाब से 2040 में जो है वो जल युद्ध होगा। कभी किसी ने सुना भी नहीं था कि जल युद्ध भी जैसी कोई चीज़ है। हम लोग हो सकता है कि एक एक गिलास के पानी के लिए लड़े, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है और आने वाले समय में भी कि हम जल का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो और जल को बचाएं। दूसरा, कोरोना फिर आने की गुंजाइश है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि लोग बाग सड़क से बाहर ना निकलें, घर से बाहर ना निकलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, अगर ज़रूरी भी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि का ख्याल रखें। इसके साथ आगरा के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को आशीर्वाद, और मुझे लगता है कि इस होली के बाद जो भी कुछ हमने कोरोना की वजह से खोया है, बहुत जल्दी ही हम उसको दोबारा पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।